हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बात करें गोरखपुर विश्वविद्यालय में आज हम आए हुए हैं। यहाँ पे आपके दीक्षा भवन और आपके संवाद भवन में प्रोग्राम है, वीसी मैम का संवाद है, तो इससे बच्चे काफी यहाँ पे हलचले हैं। लेकिन इसी हलचलों के बीच एक मुझे ऐसा स्टूडेंट दिख रहा है जो काफी परेशान है। इसकी समस्याओं को हम देखते हैं, क्या इसकी समस्याएं हैं और वाकई ये इतने डिप्रेशन में क्यों लग रहा है और वाकई इनका नाम क्या, किस डिपार्टमेंट में? सर क्या हुआ आपको? सर मैं बहुत परेशान हूँ अपने सेमेस्टर एग्जाम को लेकर के, पैटर्न ही नहीं समझ में आ रहा है। ये बताइए पहले कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, थर्ड या फिफ्थ, कौन सेमेस्टर आपका है? सर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है, अभी न्यू एडमिशन हुआ है एग्रीकल्चर से। अच्छा, तो एग्रीकल्चर से आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो आप काफी परेशान हो। हम देख रहे हैं सर, उधर दिखाई सारे स्टूडेंट्स काफी एक्टिविटीज कर रहे हैं, सबके चेहरे पे खुशियां हैं, सभी खुश हैं, लेकिन आप यहाँ बाइक बैठ के अकेले, मतलब आप लग रहा है कि काफी आपको समस्याएं हैं। तो जो भी आपकी समस्या होंगी मैं गारंटी देता हूँ जितना मुझे नॉलेज है आपकी समस्याओं का समाधान मैं दूंगा, क्योंकि आप एक स्टूडेंट नहीं हो। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियोज को देखते हैं, जितने व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे छात्र हैं, सबकी सेम समस्याएं हो सकती हैं। तो आप बताइए आपके डाउट क्या है, क्या आप जानना चाहते हो? सर मेरा डाउट है, पहली बात तो हमें पैटर्न ही नहीं समझ में आ रहा है, दूसरी बात तो हम पैटर्न अगर समझ भी जाते हैं तो तैयारी कैसे करें, ये चीज नहीं समझ में आ रही कि, और कोई सीरीज भी नहीं आती है तो कैसे हम तैयारी करें? सर कुछ मार्गदर्शन करिए मेरा। देखिए सबसे पहले आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर के हों, थर्ड हो या फिफ्थ हो, ठीक है, उनका जो यूजी कोर्स है, ठीक है, जो बीए बीकॉम बीएससी बीबीए बीसीए सारे कोर्सेज एमसीक्यू होंगे। जानते हैं एमसीक्यू क्या होता है? हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव, बहुत सही, आपको इतनी नॉलेज है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एमसीक्यू पता नहीं होता, उनके बता दें कि आपको एक क्वेश्चन रहता है, उसके चार ऑप्शन रहते हैं, उसे एमसीक्यू बोलते हैं। तो और पीजी के बच्चे जो होंगे उनका थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, ठीक। उसके बाद सर आपने पूछा कि आपको पहले ही बताइए कि आपका लगभग सिलेबस कितना कवर हो चुका है? सर अभी तो सिलेबस तो कवर हुआ ही नहीं है, वही तो प्रॉब्लम है। अच्छा, और एग्जाम की डेट पता है? वो सुनिए, एग्जाम की डेट भी रिलीज हो गई आपकी? हाँ शायद सर रिलीज हुई है, 15 दिसंबर से है। तो बता दें आप फर्स्ट सेमेस्टर के हो तो आपका एग्जाम 15 दिसंबर से नहीं होगा, ठीक। आपका एग्जाम यहाँ वीसी में, और आपको न्यूज मीडिया द्वारा बता भी दिया है, कंफर्म कर दिया गया है कि जो आपका पेपर है वो दिसंबर लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक तक स्टार्ट होगा। ये जो 15 दिसंबर से पेपर है वो हमारे जितने थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर बच्चे हैं उनका पेपर स्टार्ट होगा, ठीक। तो आप थोड़ी आपके मन में जो आप बेचैन थे, काफी डिप्रेशन में थे, तो समय आपको मिल गया, एक महीना आपके ऊपर दिसंबर का समय मिल गया पढ़ने के लिए, अभी कुछ आप राहत मिल रही है आपको ये न्यूज ये अपडेट सुन के? जी सर थोड़ा बहुत तो राहत जरूर मिली है, बट फिर भी अभी कम समय है, क्योंकि अभी हम यूनिवर्सिटी में या फिर क्लास करने जा रहे हैं तो वहाँ पे सिलेबस ही नहीं कवर है। तो देखिए सबसे अच्छी बात, आपका एमसीक्यू होने वाला है, तो टारगेट ग्रुप जानते हो आप? हाँ जानते हैं। भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है। एंट्रेंस की तैयारी किया होगा अपने यहाँ से? हाँ एंट्रेंस की तैयारी की है, उन्हीं की भरोसे क्या हुआ है मेरा एडमिशन यहाँ पे हुआ है। बिल्कुल, तो देखिए आपको करना क्या है कि आपको कुछ भी नहीं करना, टारगेट गुरुकुल आप प्ले स्टोर पे सर्च करिए, ठीक है, वहाँ पे सर्च करने के बाद आपको ऐप मिल जाएगा टारगेट गुरुकुल का, ठीक है, पहचानते होंगे आप अच्छे से। उसके बाद वहाँ पे आपको जैसे ही वहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम सिलेक्ट करेंगे अपना पेड कोर्स से, अपने विश्वविद्यालय आपका गोरखपुर विश्वविद्यालय है, ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट गोरखपुर विश्वविद्यालय से पढ़ रहा हो, किसी संबंधित कॉलेज से पढ़ रहा हो, ऐप पे जाके अपने सारे एमसीक्यूज ले सकता है, ठीक है, पूरा सारथी बैच है उसमें सारे आपके एमसीक्यूज नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से बस जितना एमसीक्यूज है बस उतना पढ़ लो, ठीक है। सर बता दें आपको कि आप जितने डिप्रेशन में हो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक, क्लास आपकी चली न चली, आपके पास नॉलेज है या नहीं है, लेकिन हर साल हम लोग अपने एमसीक्यूज बच्चों को देते हैं, वहां से क्या होता है बच्चे को ना यूपीएस लेनी है, ना उसको राजेंद्रा लेना है, ना कोई उसको सीरीज पढ़नी है, बस वो सारथी बैच को पढ़ता है और अपना सेमेस्टर एग्जाम क्लियर कर लेता है, ठीक। तो आप क्या करोगे, ऐप डाउनलोड करोगे कि नहीं करोगे? एकदम करेंगे। तो वहां से सारथी बैच ज्वाइन करोगे? एकदम करेंगे। तो वहाँ पे कर लोगे तो फिर आपको बाइक पे नहीं बैठना पड़ेगा, आप भी सभी बच्चों की तरह एक्टिविटीज करोगे, घूमते फिरते रहोगे, हंसते खेलते रहोगे, और सेमेस्टर में 8.58 सीजीपीए जो होता है वो आपका 100% बन जाएगा, ठीक। तो ये आपके हैं दीपक सर जो कि एग्रीकल्चर के टीचर हैं, फैकल्टी यहाँ पे हैं, एग्रीकल्चर के मेंटर हैं, आपको पढ़ाते होंगे और आपको इनका इंट्रोडक्शन देने की हमें जरूरत नहीं है। तो आज हमें दीपक सर ने काफ़ी मदद की, काफ़ी जो स्टूडेंट्स होंगे दीपक सर जैसे यहाँ बैठे होंगे जिनके मन में सारी समस्याएं थी, एग्जाम कब होंगे, एमसीक्यू तैयारी कैसे करें, वो सारे डाउट भी क्लियर हो चुके होंगे, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो दीपक सर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट उनके हैं जो सेम प्रॉब्लम है, तो उनको इस वीडियो से हेल्प जरूर मिलेगी। बिल्कुल, जितने बच्चों की सेम प्रॉब्लम थी कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। जो फर्स्ट सेमेस्टर बच्चे उनका एग्जाम दिसंबर लास्ट जनवरी फर्स्ट वीक में होगा, और जितने भी हमारे थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर का उनका एग्जाम 15 शुरू होगा, फॉर्म आएगा आपको हम बता देंगे। थैंक यू।